जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एवं अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार तथा तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित के नेतृत्व में बनाई गई जांच टीम द्वारा शस्त्र लाइसेंस की जांच में अब तक लगभग 250 लाइसेंस फर्जी मिलने के अनुमान है और करीब 5 गन हाउस जाँच के दायरे में आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जनपद में अब तक का सबसे बड़ा शस्त्र लाइसेंसों की जाँच चल रही है, जिसके लिए 100 कर्मचारी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि लाइसेंस जांच के लिए जनपद के 25 थानों क्षेत्रों में 10 टीमों को बांटा गया है। प्रत्येक टीम में लगभग 10 कर्मचारी हैं और इस अभियान में 100 से अधिक कर्मचारी लाइसेंस की जांच कर रहे हैं। जांच का दायरा 1947 से बनवाए गए लाइसेंस से चल रहा है, जिसमें अब तक कई असलहे के लाइसेंस का मिलान कलेक्ट्रेट के अभिलेखों से नहीं हो रहा है। वहीं पुलिस फर्जी लाइसेंस बनाने के तौर तरीकों पर केंद्रित कर जाँच कर रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है।